हेलो एवरीवन वेलकम टू हिमालयन वुल क्राफ्ट सो आज मैं आपके लिए एक uh, क्रोशिया से रिलेटेड एक स्टॉल लेके आई हूँ uh, जो कि मैं थ्री कलर्स में बनाने वाली हूँ लाइट सिल्वर कलर में डार्क ग्रे एंड वाइट कलर में होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बन के आएगा आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए ठीक है देखिए मैंने इसमें वूल ले रखी है वर्तमान की मिलीनियम ठीक है सबसे पहले मैंने इसमें क्रोशिया के बारे में बताऊं मैंने लिया है इसमें फाइव एम mm का क्रोशिया ठीक है फाइव mm एम का मेरा क्रोशिया है और वर्धमान की मिलीनियम की फोर प्लाई वाली मेरी वूल है ठीक है सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक सिंगल नॉट डालेंगे एक सिंगल नॉट करी ठीक है अब देखो ये मैंने क्रोशिया फंसा लिया इसमें अब हम बनाएंगे चेन्स ऐसे करके आप इसको चेन बनाओ सबसे पहले तो ऐसे करके आपने चेन्स बनानी है आप इनको बनाओ सिक्सटी एट ठीक है सिक्सटी एट चेन्स हम इनको बना लेते हैं ये जो है मेरी ये मेरी आ गई है सिक्सटी एट चेन्स ठीक है अड़सठ चेन मैंने जो है अपने ये बना लिए हैं ठीक है थीके? अब इसके बाद हम जो अपना डिज़ाइन है वो शुरू करते हैं तो डिज़ाइन शुरू करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है शुरुआत के आप तीन चेन छोड़ दोगे अपने ठीक है ध्यान से देखिएगा तभी आप अपना पूरा डिजाइन ऐसा उतार पाओगे तो एक दो तीन तीन चेन छोड़े अपना कुरुशिया पकड़ो आप एक बार फोल्ड कराओ दो बार ऐसा आपके पास कुछ मिलेगा ऐसे तीन टाइम्स आपको आपके क्रुशिया में देखने को मिलेगा ठीक है अब आपने क्या करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड को छोड़ के फोर्थ वाले, वाले क्रुशिया निकालोगे ये करा आपने ठीक है बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है हाथ को ये करा अब आपने क्रुशिया को क्रॉस कराओ शुरुआत के दो में से ऐसा ठीक है दोबारा से ऐसा फिर एक बारी और ठीक है तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है तो हमने तीन स्किप करें चौथे वाले में एक बार ट्रिपल क्रोशिया डाल दिया ठीक है दोबारा से देखेंगे एक बार करेंगे दो बार करेंगे अब इस वाले को छोड़ दो जिसमें हमने करा है ना उस वाले के अगले में डालो अब अगले वाले में डालेंगे हम इसे ये फिर दो को क्रॉस कराओ और फिर उसके बाद ये और ये ठीक है ये कर लिया मैंने अब इसी वाले में हमने चार बार और इसी ट्रिपल कुरुशिया को रिपीट करना है ऐसे फिर दो में से फिर इस दो में से तो जैसा मेरा ये दो बार हो रहा है तो ऐसे ही हमारे इसी वाले चेन में पांच बार आएगा ये ऐसे ठीक है ऐसा ये ये चार बार हो गया हम इसको कर लेंगे पांच बार ठीक है पांच बार हमने ये कर लिया पांच बार करने के बाद फिर से आप ट्रिपल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल जाएगा ठीक है एक सिंगल चले गया नेक्स्ट वाले में अब इसके बाद आप देखो अब इसके बाद क्या करोगे सिंगल गया इसमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करो अगली वाली चेन को स्किप करेंगे इस चेन के बाद एक चेन आप स्किप करो उसके अगले वाले में डालो ठीक है फिर से एक चेन स्किप करो अगले वाले में डालो एक चेन स्किप करके अगले वाले में ठीक है अब आप देखो मैं आपको फिर से एक बारी और बता देती हूँ जो शुरू से हमारा प्रोसेस था सबसे पहले हमारे पास अड़सठ चेन थी अड़सठ चेन के बाद तीन चेन स्किप करके फोर्थ चेन में हमने सिंगल ट्रिपल क्रोशिया डाला एक डालना है ठीक है सिर्फ उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट चेन में पांच बार करना है ट्रिपल क्रोशिया को ठीक है उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट चेन में एक जाएगा फिर एक एक स्किप करके डालना है तो आप ये देखो जब आपने पांच बार यहां पर करा है ना तो ये आपके पूरे आएंगे पांच बार के बाद आएंगे आपके नौ ठीक है एक दो तीन चार ये मेरे चार और रखे हैं मैंने पांच और करने हैं तो ये हमारे पास आएंगे नौ इसको हम मैं पहले बना लेती हूं नौ बनेंगे हमारे यहां पर को ठीक है हमने नाइन टाइम्स ये कर दिया है अब उसके बाद जस्ट उसकी नेक्स्ट चेन में नौ के बाद की नेक्स्ट चेन में आप डालोगे पांच बार ऐसे ठीक है पांच टाइम हमने ये कर दिया है अब उसके बाद फिर से उसके नेक्स्ट चेन में दोबारा से आप पांच डालोगे उसके जस्ट नेक्स्ट चेन में और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होवा एक बार आप इसको पूरा सिक्सटी एट चेन में जब आप रिपीट कर लोगे आपको समझ आ जाएगा तो जो जो चीजें मैं आपको बताते हुए चल रही हूं आप इसी चीज को फॉलो करो अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं आपके पास कुछ ऐसा बन के आ रहा होगा अभी तक का प्रोसेस में ठीक है अब देखो यहां पर हमने नौ टाइम्स एक एक चेन छोड़ के करा है ये आपने करा नौ के बाद जस्ट उसके अगले में यहां पर को आपने गैप नहीं करना है ठीक है इस एक चीज ध्यान देना जैसे नवा आपका ये था ना नवा वाला ये है आपका तो इसके नेक्स्ट चेन में पांच बार ये चले गए पांच बनाने के बाद जस्ट उसके नेक्स्ट चेन में दोबारा से पांच यहां पर कोई भी स्किप नहीं करना है दोबारा से पांच बना दिए ठीक है तो दो बार आपके पांच पांच आगे एक साथ में ठीक है इसके बाद क्या करेंगे जस्ट उसके नेक्स्ट चेन में एक डालेंगे नेक्स्ट चेन में एक डाला अब एक एक स्किप करके हमने आठ और बनाने हैं एक हमारा ये बन गया टोटल नौ बनेंगे ठीक है नौ आप इनको बना लेते हैं नौ हमने कर लिए फिर उसके बाद जस्ट उसकी अगली चेन में डालेंगे हम पांच फिर उसकी अगली चेन में डालेंगे दोबारा से पांच ठीक है आप ये देखो इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करते हुए चलना है अपने पूरे मफलर में ठीक है यहां पर तक से शुरुआत करा है और पूरा एंड इसका तक तक जाएगा 68 चेन तका. शुरुआत में पांच करें फिर नौ फिर पांच पांच फिर नौ ठीक है नौ के बाद फिर से पांच पांच अब नौ जाएंगे फिर पांच जाएगा मेरा ठीक है इसको मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको एक बारी और बता दूंगी इसे तो ये मेरा जो है ना हमारा जो फर्स्ट रो का हमारा जो प्रोसेस था ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है ठीक है अब आप एक चीज का ध्यान दो जब जैसे शुरुआत में मैंने पांच के घने डले थे ना तो मेरा एंड होना चाहिए या तो तीन सिंगल सिंगल और या फिर तो चार सिंगल सिंगल मतलब कि जो हमारे पैटर्न है दो सात में पांच का और नौ है ना तो अगर मेरा शुरुआत में पांच है तो लास्ट में सिंगल सिंगल से एंड होना चाहिए लास्ट में पांच से अगर मेरा एंड होता है घने पांच में तो तो फिर ये पैटर्न जो है ना बढ़ता हुआ चले जाएगा ऐसा नहीं होना है ठीक है इस चीज का आप ध्यान दो जैसे हमारे पास यहाँ पर दो पैटर्न है पांच पांच और अकेले अकेले नौ के तो मतलब की अगर शुरुआत में पांच है तो लास्ट खत्म होगा अकेले अकेले चार या पांच में ठीक है उसी के आधे में तो मेरा यहां पर को खत्म हो रहा है ये पांच महीने करे पांच के बाद मेरा तीन सिंगल सिंगल में जा रहा है ठीक है अब हम यहां पर से क्या कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को टर्न कर लेंगे ठीक है हाँ यहां पर तक बनाने के बाद अब आप यहां पर को पहले सिंगल चेन डालोगे हम यहाँ पर तीन सिंगल चेन ले लेंगे ले वन टू थ्री थ्री सिंगल चेन ली प्रोजेक्ट को पलट लिया पलटने के बाद अब आप ये देखो क्या करोगे ये आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा आप यहाँ पर को ठीक है अब आपने क्या करना है अपने कुरुशिया हुक को आप ऐसे डालोगे इसके साथ पहले वाले को आप छोड़ दो जो दूसरा वाला है ना ऐसे पकड़ो इसको ऐसे इसके साथ लो अपने कुरुशिया को ऐसे कराओ और यहां से करा लो ऐसे ठीक है फ्रंट पोस्ट सिंगल कुरुशिया ऐसा दोबारा से देखो ये ऐसे और ऐसे कुरुशिया में ऐसे लो ऐसे क्रॉस कराओ और ये दोबारा से देखो ये क्रूसिया क्रॉस कराया और फिर दो में से एक निकाल दिया इस वाले प्रोसेस को आप अपने पूरे जो भी आपने ये ट्रिपल क्रोशिया की जितनी भी लाइनें बना रखी हैं, इन सब में हमने इस प्रोसेस को रिपीट कर लेना है आप ये देखो ना मेरा कुछ ये ऐसा बना है जो मैंने आपको बताया था वो प्रोसेस को मैंने रिपीट करा अब मैं बची हूं अपने लास्ट वाले फंदे में तो लास्ट वाले फंदे में भी हमारा यही जाएगा ऐसे ऐसे लास्ट वाले फंदे में भी यही करा ठीक है अब उसके बाद क्या करोगे आप अपना प्रोजेक्ट को आप ऐसे करके पलट लो जब आपने ऐसे पलटा तीन चेन आप डालोगे सिंगल ऐसे यहां पर तीन सिंगल चेन डाल दी आपने ठीक है सिंगल चेन डालने के बाद अब आप देखो वही फिर से रिपीट होगा ट्रिपल क्रोशिया यहां पर को जो आपको ये दिख रही है ये लाइन ये लाइन है ना इस वाली लाइन में जाएगा इस वाली लाइन में ठीक है तो आप देखो ये है ऐसे ऐसे फिर उसके अगले वाले में शुरुआत में सबसे पहले हमने सिंगल डाला फिर उसके अगले वाले में डाला ये डाला उसी में हमने अब चार बार और डालेंगे तो शुरुआत में एक सिंगल फिर जस्ट उसके बाद वाली चेन में पांच जाएंगे पांच डाल दिए उसके बाद अगली वाली चेन में गया सिंगल फिर हर एक स्किप करके टोटल आपके आ जाएंगे नाइन बारी बस वही प्रोसेस रिपीट होता हुआ जाएगा जो मैंने आपको नीचे बता रखा था ठीक है इसी वाले प्रोसेस को आप रिपीट करो जो मैंने नीचे बताया था मैं अब इसके बाद आपको बताती हूँ मैं थोड़ा सा बना के लाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे करके इसमें कलर कॉम्बिनेशन लगाना है कैसे करके हमने इसको ऊपर को न... निट करते हुए चलना है ऐसा कुछ आपको बन के आएगा अब आप ये देखो ना मैंने कुछ ये इतना बिन लिया है यहां से मैंने शुरू कर रखा था ठीक है फिर उसके बाद मैंने व्हाइट लगाया फिर मैंने सिल्वर ऐसे ऐसे करके मैं इसकी लाइन देते भी जा रही हूं ठीक है मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें लाइट सिल्वर लिया है और डार्क ग्रे और व्हाइट ले रखा है तो ये मेरा ऐसे बनते भी जा रहा है ठीक है आप इसी चीज को फॉलो करो जो चीज मैंने आपको बताया था प्रोसेस सेम वही प्रोसेस जाएगा इसमें ऐसा अब देखो आप मेरा यहाँ पर जैसे ग्रे खत्म हो रखा है ना अब इसके बाद है हमारा कि हमने कलर कैसे करके करना है मैं आपको एक बारी वो बता देती हूँ कलर कैसे लगाएंगे आप अब जैसे ग्रे के बाद लगाया है मैंने व्हाइट तो वाइट लगा दी हूं मैं यहां पर को अब देखो पहले तो आपने जब अपना तागा चेंज करोगे ना तो पहले तो तीनों अगर प्लेन बना रहे हैं तब तो ठीक है अगर आप धागा चेंज कर रहे हो ये इसके लिए है तो जैसे आपने यहां पर ये छोड़ा ना तो आप पूरा एक साथ डालोगे तीनों को एक साथ डालो अब इसके बाद जो आपने धागा लगाना है उसको पकड़ो और इन दोनों धागों को छोड़ दो तो जैसे हमने शुरुआत में तीन चेन करने थे ना तो एक चेन तो हमारी तीनों के साथ में आ गई और सिंगल सिंगल चली गया व्हाइट में ठीक है व्हाइट में जाने के बाद फिर से वही प्रोसेस चला जाएगा जो कि मैंने आपको बता रखा था पहले में ट्रिपल क्रोशिया उसके बाद वाली में पांच बार ट्रिपल क्रोशिया बस वही चीज़ रिपीट होते हुए जाएगी स्किप करके आ, हर एक चेन स्किप करके नौ बार हमारे ये ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे ठीक है फिर उसके बाद आ, दो बार पांच पांच का ट्रिपल क्रोशिया हम दो चेन्स में डालेंगे बस वही चीज़ रिपीट होगी जो मैंने आपको फर्स्ट रो में बताई थी ऐसे करके आप इसको बनाते हुए चलो अपना ये जैसे नौ बार मेरा ये हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट वाली मैं पांच बार डाल दूंगी मैं काफ़ी इजी पैटर्न है अगर आपको कोई परेशानी होती है आप फर्स्ट वाला जो रो है ना उसको आप अपना कॉपी में रिटर्न कर लो रिटर्न अगर कर लोगे आप तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बन पाता है कि हम एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट में लगे रहे ना तो आप पैटर्न लिख लोगे अपने पास में तो परेशानी नहीं होगी काफ़ी अच्छे से आप सारा पैटर्न याद हो जाएगा आपको ये ऐसा कुछ आपका बन के आएगा मैं आपको इसका पूरा लेंथ बताती हूँ अब ये मेरा कितना बन रखा है मैं इसको पूरा नेट करके लेके आती हूँ ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मेरा इसका लेंथ कितनी गई है वृथ कितनी गई है उसका मेजरमेंट बताऊंगी ठीक है तो उसके लिए वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखो जितना भी आपको लेंथ ब्रिथ चाहिए उसका मैं आपको इसके बाद बताऊंगी ठीक है ये आप देखो ना ये मेरा कुछ ऐसा पूरा मैंने इसको अपना क्रोशिया से बना लिया है कलर मैंने वही चीज रिपीट कर रखी है जो कि मैंने आपको बताए थे वही चीज रिपीट करी है एंड बस हमारा ऐसे ही नॉर्मल खत्म होगा जो भी आपको तागे से खत्म करना है खत्म मैंने यहाँ पर को करा और उसके बाद मैंने यहाँ पर को अपने ऐसे कल के झालर लगा लिए हैं ठीक है अभी जो ये वाले मेरे लॉन्ग वाले तागे हैं इनको मैंने भी फिनिशिंग करना है फिनिशिंग वैसी ही होगी धागा लॉक करके और फिर कट कर लेंगे ठीक है दोनों साइड से मैंने इसमें फ्रिजेस लगा लिए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसमें फ्रिंजेस लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो वो आप देख लीजिएगा बाकी लुक इसका काफ़ी अच्छा बन के आया है आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ट्यूटोरियल समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर करिए Thank you so much for watching this video.